माझ्या यूट्यूब चॅनल राज एज्युकेशनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम की जनरल गाइडलाइंस प्रशिक्षणार्थियों के लिए आई है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए. राज एजुकेशन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा. तो हम विस्तार से देखते हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जनरल गाइडलाइंस स्टूडेंट. एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 40-20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट. तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम रहेंगी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली एग्जाम रहेंगी और 40 से 20 क्वेश्चन ये हर सब्जेक्ट के लिए रहेंगे और हर क्वेश्चन के लिए सेम मार्क इक्वल मार्क कैरी होंगे. ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 180 मिनट, मतलब 3 घंटे का समय रहेगा, और 135 मिनट मतलब 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा. तो ये 80 प्रश्न हैं, 80 क्वेश्चन हैं तो 3 घंटे रहेंगे, और 60 क्वेश्चन हैं तो 2 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा. थ्योरी क्वेश्चन 40 रहेंगे, उसके लिए 1.5 घंटे का समय रहेगा. ईएस के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए 45 मिनट दिए जाएंगे. और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इसके लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए भी 45 मिनट का अवधि दिया जाएगा. तो इस प्रकार से ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम मतलब अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होगी, और इसके लिए ये प्रशिक्षणार्थियों के लिए जनरल गाइडलाइन है किस प्रकार के एग्जाम रहेंगी और किस प्रकार से क्वेश्चनिंग मतलब आपको समय दिया जाएगा. तो ये ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट है, ट्रेड थ्योरी, और ट्रेड ड्यूरेशन एडमिशन ईयर 1 ईयर ट्रेड. जो ट्रेनी एडमिटेड हुए 2019 बैच में, और 2 ईयर का ट्रेड 2 वर्षीय अभ्यासक्रम. जो ट्रेनी 2018 में प्रवेशित हुए हैं मतलब 2018-20 की बैच और 2019-20 की बैच, इसके लिए ट्रेड थ्योरी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 40, और उसके लिए मैक्सिमम मार्क रहेंगे 100, और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय रहेगा ट्रेड थ्योरी के लिए, जिसे हम व्यवसाय सैद्धांतिक बोलते हैं. वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ये कर्मशालीय गणित, जिसे हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, ये इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए ओनली रहेगा. मैथमेटिक्स वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 1 साल का जो भी व्यवसाय रहेगा 1 ईयर ट्रेड, जो ट्रेनी 2019-20 बैच के हैं, और 2 वर्ष अभ्यासक्रम मतलब 2 ईयर ट्रेड, जो ट्रेनी 2018-20 में प्रवेशित हुए हैं उनको नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में 20 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क रहेंगे 50, और उसके लिए समय रहेगा 45 मिनट. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ये 1 ईयर ट्रेड के लिए जो ट्रेनी एडमिटेड हुए हैं 2019 को, उनको क्वेश्चन रहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, और मैक्सिमम मार्क उसके लिए रहेंगे 50, और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट. और द होल एग्जामिनेशन दैट इज ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस विल बी कंडक्टेड इन 1 go विदाउट एनी ब्रेक्स इन बिटवीन. ये संपूर्ण जो परीक्षा है इसमें ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ये एक ही साथ इसका पेपर होगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं रहेगा इन पेपर के बीच में. इवैल्यूएशन ऑफ ईच सब्जेक्ट
विल बी डन सेपरेटली, और ये सभी जो पेपर हैं ये सभी पेपर अलग से जाँचे जाएंगे। एग्जाम विल बी कंडक्टेड थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ट्रेनीज मस्ट एंटर देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड टू लॉगिंग। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगी, तो जो प्रशिक्षणार्थी हैं उन्होंने अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिंग करना है। आफ्टर लॉग इन ट्रेनीज मस्ट गो थ्रू द ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, और लॉगिंग होने के बाद प्रशिक्षणार्थी जो रहेगा, परीक्षार्थी जो रहेगा, उसने सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए ध्यानपूर्वक। प्लीज इंश्योर दैट योर प्रोफाइल डिटेल्स आर करेक्ट विच विल बी सब्सिक्वेंटली अपेयरिंग ऑन द स्क्रीन आफ्टर लॉगिंग। और लॉगिन होने के बाद ये जो प्रोफाइल है कैंडिडेट का वो दिखता है स्क्रीन के ऊपर, और वो सही है ये आपको उसकी खातरी करना है। एंटर द एग्जामिनेशन पासकोड गिवन बाय द इन्विजिलेटर, चेक मार्क द डिक्लेरेशन एंड प्रोसीड बाय प्रेसिंग द स्टार्ट एग्जाम बटन। ये जो इन्विजिलेटर रहेंगे एग्जाम हॉल में, वो जो आपको पासकोड देंगे वो पासकोड उसे चेक करना है और डिक्लेरेशन करना है, और आगे प्रोसीड करके स्टार्ट एग्जाम बटन प्रेस करना है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिल द एग्जाम इज ओवर। जब तक पूरी परीक्षा खत्म नहीं होती तब तक आप परीक्षा हॉल छोड़ नहीं सकते, ऐसी परवानगी नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से आगे भी जो कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 30 मिनट्स ऑफ द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के पहले आपको एग्जाम हॉल में 30 मिनट पूर्व आना है, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 30 मिनट पहले। ओनली शेड्यूल कैंडिडेट्स विल बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर देयर रिस्पेक्टिव टाइम स्लॉट। जो भी एग्जाम के लिए आपको टाइम स्लॉट दिया रहेगा उसी कैंडिडेट को एग्जाम हॉल में अलाउ किया जाएगा। कैंडिडेट शुड साइन द अटेंडेंस शीट इन द स्पेसिफाइड कॉलम। कैंडिडेट ने जो भी अटेंडेंस शीट रहेंगी उसमें अपने स्पेसिफाइड कॉलम में साइन करना जरूरी है। कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, डिजिटल वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ऐसी चीज़ें साथ में लाना नहीं है। एनी इटेबल आइटम्स ओपन आर पैक, वाटर बॉटल इटीसी, और जो खाने की चीज़ें खुली चीज़ें या पैक चीज़ें या पानी बॉटल लाना नहीं है। देयर मे नॉट बी फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ योर पर्सनल बिलोंगिंग्स आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। इन्विजिलेटर एंड अदर स्टाफ्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कस्टडी, सेफ कीपिंग और लॉस। जो साथ में आप पर्सनल जो चीज़ें लाएंगे वो एग्जाम हॉल के बाहर रखना है, और उसके लिए इन्विजिलेटर या जो अदर स्टाफ रहेंगे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, आपको आपकी जो भी चीज़ें हैं उसका जवाबदारी आपकी रहेंगी। कैंडिडेट इज टू मेंटेन कंप्लीट साइलेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड कम्युनिकेशन इन एनी फॉर्म बिटवीन द कैंडिडेट आर विथ आउटसाइडर्स इज नॉट परमिटेड। ये एग्जाम हॉल में एग्जाम के दौरान शांतता रखना है, और कोई कम्युनिकेशन कैंडिडेट और आउटसाइड के साथ करना अलाउ नहीं है। कैंडिडेट फाउंड इंडगलिंग इन माल प्रैक्टिसेस ऑफ एनी फॉर्म विल बी डिबार्डेड फ्रॉम राइटिंग द एग्जाम। और कोई माल प्रैक्टिसेस, कोई धोखाधड़ी
या गलत चीज़ें करता है उसे एग्जाम से डिबार किया जाएगा। कैंडिडेट्स शुड लीव द एग्जामिनेशन वेन्यूज इन ए क्वाइट एंड डिसिप्लिन मैनर एंड शुड नॉट रिमूव एनी इक्विपमेंट और स्टेशनरी फ्रॉम द एग्जामिनेशन वेन्यू विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। और एग्जाम खत्म होने के बाद जो एग्जाम स्थान है वहाँ से शांति से और डिसिप्लिन मैनर से बाहर जाना है। कोई स्टेशनरी और इक्विपमेंट एग्जाम हॉल से आप लेके नहीं जा सकते विदाउट परमिशन ऑफ अथॉरिटी। द क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन वन एट ए टाइम विद द देयर रिस्पेक्टिव फोर ऑप्शंस। तो हर क्वेश्चन के लिए स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन दिखाएंगे। रेडियो बटन इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन एज डिस्प्लेड बिलो। सिलेक्ट वन आंसर बाय क्लिकिंग द रिस्पेक्टिव रेडियो बटन। तो जो भी रेडियो बटन है रेडियो बटन को प्रेस करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो ये रेडियो बटन जो है उसका कलर कंपाउंड वॉल जो रहेगा ये एच हरा रहेगा, बी नीला रहेगा और सी ये गहरे ब्राउन रंग का रहेगा और डी बर्न ब्लू कलर का रंग रहेगा, मतलब बर्न नीला। टू आंसर ए क्वेश्चन क्लिक द बटन अगेंस्ट द चोजन ऑप्शन अमांग गिवन फोर ऑप्शन। जो भी चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक आंसर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। टू चेंज योर चोजन आंसर क्लिक द बटन आप अनादर ऑप्शन। आपको ऑप्शन चेंज करना है तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके आप आंसर चेंज कर सकते हैं। टू सेव योर आंसर एंड मस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन नेक्स्ट टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आपका आंसर सेव करना है तो आपको अगले क्वेश्चन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो बटन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाने के लिए होती है। द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स दैट यू वुड लाइक टू लुक एट द क्वेश्चन अगेन। इफ क्वेश्चन इज आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू ऑफ यू आंसर फॉर। जब भी आपको कोई क्वेश्चन और दोबारा देखना है तो आप मार्क फॉर रिव्यू इस क्वेश्चन के लिए आप जा सकते हैं। इफ यू मार्क रिव्यू योर आंसर फॉर उसके लिए आपको द क्वेश्चन विल बी कंसिडर इन द इवेल्युएशन फ्लैग क्वेश्चन आइकन फ्लैग क्वेश्चन टू मार्क द क्वेश्चन टू अटेम्प्ट रिव्यू लेटर। आप फ्लैग क्वेश्चन से अगेन दोबारा उसे देख सकते बाद में। टू रिमूव मार्क फॉर रिव्यू ऑफ द क्वेश्चन क्लिक ऑन अनमार्क रिव्यू अदर इट विल बी कंसिडर फॉर इवेल्युएशन। आपने अनमार्क नहीं किया है तो अनमार्क रिव्यू अदर इट विल बी द कंसिडर फॉर इवेल्युएशन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जांचे जाएंगे। क्लिक ऑन द फ्लैग क्वेश्चन आइकन फ्लैग क्वेश्चन टू अनमार्क रिव्यू द क्वेश्चन। ये फ्लैग आइकन जो रहेगा ये अनमार्क जो रिव्यू क्वेश्चन है उसके लिए रहती है। द क्वेश्चन पैलेट डिस्प्ले ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। तो क्वेश्चन नॉट व्यूड नॉट आंसर्ड इसके लिए वन, क्वेश्चन अटेम्प्ट जो किए हैं टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए ये दिखाएगा, क्वेश्चन फ्लैग कितना किया है किस नंबर का क्वेश्चन किया है वो बताएगा, क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू इस प्रकार की ये बटन रहेंगे।
द काउंटडाउन टाइमर ये इन द टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर ऑफ द टेस्ट स्क्रीन, टेस्ट स्क्रीन के ऊपर ये एक उजवे कोने में ये टाइम रिकॉर्डर टाइम काउंटडाउन टाइमर रहेगा। डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कंप्लीट द टेस्ट, व्हेन द टाइमर रीचेज जीरो ऑटोमेटिकली द टेस्ट विल एंड। जब टाइमर जीरो पे आएगा तो ये टेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन पैलेट ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट स्क्रीन इज मीन फॉर रैंडमली चूजिंग द क्वेश्चन फॉर एंसरिंग। ये क्वेश्चन पैलेट पे टॉप ऑफ स्क्रीन पे आपको दिखाई देते हैं तो ये रैंडमली क्वेश्चन आंसरिंग के लिए होता है। क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट टू गो टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। नोट दैट यूजिंग द ऑप्शन डज नॉट सेव योर आंसर टू द करेक्ट क्वेश्चन। आप जो भी क्वेश्चन के नंबरिंग रहेंगे वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ऑल अनअटेम्प्ट क्वेश्चन विल कंसिडर एज ए जीरो मार्क्स इन द इवेल्यूशन। और आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए उसे जीरो मार्क मिलेंगे। यू कैन विजिट टू एनी क्वेश्चन एनी टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट एज पर यूअर कन्वीनियंस ओनली ड्यूरिंग द टाइम स्टिपुलेटेड। जो आपको टाइम दिया गया है उस अवधि के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। यू विल बी इंटीमेटेड व्हेन अ रिमेनिंग टाइम इज 5 मिनट एंड 2 मिनट्स ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन इन द टाइमर सेक्शन। टाइमर सेक्शन में आपको स्क्रीन के ऊपर 5 मिनट रहने के लिए मतलब एंड के 5 मिनट में और 2 मिनट में आपको टाइमर सेक्शन पे स्क्रीन के टॉप में दिखाएगा। क्लिकिंग ऑन द रिव्यू एंड सबमिट बटन विल सबमिट द एंटायर टेस्ट। यू विल नॉट बी एबल टू द रिविजिट द टेस्ट अगेन आर द टेस्ट विल ऑटो सबमिट वंस द टेस्ट ड्यूरेशन इज कंप्लीटेड। ये रिव्यू एंड सबमिट बटन प्रेस करने के बाद पूरी एंटायर टेस्ट संपूर्ण जो परीक्षा है वो सबमिट होती है और दोबारा आप उसको रिविजिट नहीं कर सकते एक बार आपने सबमिट कर जाने के बाद। क्लिक ऑन रिव्यू एंड सबमिट बटन टू सबमिट द आंसर आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट। और ये टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आंसर सबमिट करने के लिए सबमिट बटन रिव्यू एंड सबमिट बटन ये होती हैं। एट द एंड ऑफ द शेड्यूल टाइम द आंसर विल ऑटो सबमिटेड। ऑल अनअटेम्प्ट क्वेश्चन विल कैरी 0 मार्क। और जब समय खत्म हो जाएगा तब अपने आप ऑटो सबमिट होती है आंसर और जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है उसको 0 मार्क मिलेंगे। इस प्रकार से ऑल इंडिया ट्रिप टेस्ट अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाली है। 2018 बैच के जो प्रशिक्षणार्थी हैं और 2019 बैच के प्रशिक्षणार्थी हैं, 1 ईयर ट्रेड वाले 2019-20 बैच के स्टूडेंट और 2 साल के ट्रेड के 2018 में एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट के लिए ये एग्ज़ाम का पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम के लिए क्या क्वेश्चन रहेंगे और क्या मार्क रहने वाले इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश किए हैं। आपको इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।